हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ। वो बहुत ही कम यूज़र को पता होगा, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। शायद ही बहुत कम यूज़र को, मतलब हो सकता है कि बहुत कम यूज़र को पता हो, क्योंकि मुझे भी अभी ही पता चला यार। सैमसंग गैलेक्सी में आपको एक ऑप्शन मिलता है हिडन सेटिंग, जिसका नाम है एक्सटेंड अनलॉक। तो ये फीचर होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, सब मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि नोता है, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का हिडन सेटिंग के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ जाना है आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं एक्सटेंड अनलॉक करके, जो कि पहले नहीं आता था, अभी रिसेंटली मेरे को अभी दिखाई दिया है। तो ये फीचर क्या काम करता है, जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपसे पहले आपका नॉर्मल जो भी आपका मोबाइल का पिन है वो आपसे मांगेगा। उसके पिन जाने के बाद वो आपको यहाँ पर ले जाएगा। ये क्या काम करेगा, ये आपके डिवाइस को अनलॉक रखेगा उन उन जगह पर जहाँ पर आपने शायद अपनी बॉडी डिटेक्शन डाल के रखा हो। तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है कीप दिस डिवाइस अनलॉक्ड वाइल इट्स ऑन यू एट स्पेसिफिक प्लेस दैट यू आर ट्रस्टेड और नियर यू आर ट्रस्टेड डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप जो भी आप ट्रस्टेड डिवाइसेस को सेट करेंगे या फिर आप ट्रस्टेड अपना प्लेस को सेट करेंगे, तो वहाँ आपका मोबाइल ऑटोमेटिक अनलॉक रहेगा, आपको बार बार उसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आया ऑन बॉडी डिटेक्शन, अगर आप बॉडी डिटेक्शन वाले जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं, जो कि मुझे सिक्योर नहीं लगा। उसके बाद बैक आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ सेट कर दिया अपना घर का एड्रेस होम, कि जब भी मैं घर पर रहूँ मेरा मोबाइल अनलॉक ही रहना चाहिए, या फिर जब भी मेरा मोबाइल पर कोई भी मेरी जो डिवाइस है ट्रस्टेड डिवाइस अगर मैं यहाँ सेट करता हूँ, लाइक मेरा ये जियो का बॉक्स है, अगर मान लो ये डिवाइसेस मेरी यहाँ पर सेट रहे तो मेरा मोबाइल हमेशा अनलॉक ही होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद मैं बैक आ गया और अपने मोबाइल को यहाँ पर लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद मैं आपके सामने अनलॉक करूँगा, आप ऊपर देखेंगे एक नरेशन आएगी, फ़ोन अनलॉक बाय एक्सटेंड अनलॉक, आपको दिख रहा होगा, फिर से दिखाऊँगा, आप देखो फ़ोन अनलॉक बाय एक्सटेंड अनलॉक, और ये अनलॉक हो चुका है आपके सामने। जितनी बार भी मैं यूँ करूँगा, क्योंकि मैं लोकेशन पे हूँ और मैंने वहाँ पर अपने प्लेस भी डाल रखा है, फ़ोन अनलॉक्ड बाय एक्सटेंड अनलॉक। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है यार भाई। ये फीचर मैंने तो अभी रिसेंटली ध्यान दिया, इससे पहले फीचर मैंने देखा तक नहीं था, और ये फीचर मुझे अभी ध्यान दिया। आपको भी शायद पता हो या नहीं पता हो, पर बहुत ही कमाल का फीचर है। आप इसके अंदर अपनी प्लेस, डिवाइस या अपना बॉडी डिटेक्शन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे क्विकली। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।